हाय गाइस, इस वीडियो में हम STYX कोड निकालना सीखेंगे। बेसिकली ये देखिए, ये मेन ब्लॉक का टॉपिक है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमने अभी एक शॉर्ट में डिस्कस किया है जिसमें 2013 में सवाल आया है, ओके। मतलब 4 नंबर का सवाल था वो। तो चलिए हम जैसे पूरा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहली बात ये है कि STYX मतलब क्या होता है, ओके। STYX, ठीक है, इसको देखते हैं। इसका मतलब, एस मतलब होता है नंबर ऑफ बी एच बी बॉन्ड, ओके। ये क्या होता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, टी क्या होता है। देखिए, टी का मतलब होता है नंबर, उस क्वेश्चन में देखिए टी पूछा था, ओके, नंबर ऑफ बी 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 बॉन्ड। ये भी क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वाई मतलब देखिए नंबर ऑफ बी बी यूनिट्स, ओके, ये होता है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। एक्स मतलब नंबर ऑफ बी एच 2 यूनिट्स, ये भी होता है क्या, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखिए, इसको ऐसे करने से अच्छा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, ओके। पहले हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, इसको B2H6 से, ओके। दो तरह का एग्जाम्पल होता है, मतलब मेनली दो तरह का, तो इसको करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अब देखिए, इसे हम जनरली लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी एक्स एच वाई। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज का जनरली होगा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई अपॉन टू। तो इसका एवरेज क्या होगा, देखिए 6 प्लस 2 अपॉन 2, यानी इसका एवरेज 4 है। अब ये जो है ना, ये एस प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 है इसका मतलब, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें क्या होगा। अब देखिए, इसको एक्स है, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर x इज लेस देन y माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए अप्लाई होता है कि नहीं, x मतलब 2, अगर 2 इज लेस देन y माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस 2 4, तो यहाँ तो देखिए अप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, ब्रेक इन पेयर्स, ठीक है, ब्रेक इन पेयर्स। हमने वीडियो के स्टार्ट में बोला था दो टाइप का क्वेश्चन, मतलब अब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ब्रेक नहीं कर पाएंगे, मतलब x इज लेस देन y माइनस एक्स सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ देखिए, चलिए ब्रेक इन पेयर करते हैं। अब देखिए, अगर इवन होता है, ये दोनों इवन होता है, तो इवन पेयर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अगर ऑड होता है तो ऑड पेयर में ब्रेक करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या है, इवन, ठीक है, तो एस और एक्स को इवन पेयर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये वाले को ब्रेक ऐसा नहीं, इससे होगा, 4 से होगा, तो 4 को इवन में कैसे ब्रेक करेंगे, एस एक्स को 2 और 2 लेंगे। देखिए 4 और 0 में भी ब्रेक कर सकते हैं एस एक्स को, पर यहाँ देखिए अगर सेम हो ना ब्रेक जो हो रहा है, तो वो क्या होता है, प्रेफर होता है। तो अब देखिए, इससे हमें क्या मिल गया, मतलब हमें एस मिल गया 2 एक्स मिल गया 2, ओके। अब देखिए, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, बी माइनस एस इज इक्वल्स टू डी, आपको ये याद रखना होगा, ओके। बी में नंबर ऑफ बोरॉन एटम 2 है, ठीक है, एस कितना है, देखिए कितना, 2 निकाला ना हमने, टी कितना है, टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 0, बस फिर एक बचा एस प्लस टी प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, 4। एस क्या है 2, टी क्या है 0, वाई तो हमें निकालना ही है, एक्स क्या है 2 इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखिए, तो अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बस कंक्लूड करना आना चाहिए कि अगर आपको पूछे बी एच बी बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप बताएंगे 2 है, एक्स है नंबर ऑफ बी एच 2 यूनिट्स 2 है, टी और वाई नंबर ऑफ बी ये और नंबर ऑफ बी बी यूनिट्स ये 0 है, ओके। अब ये देखिए जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सब सेम करना है आपको, बस इसमें देखिए अगर एक्स इज लेस देन वाई माइनस एक्स, इसमें नहीं हो रहा, ये देखिए नेट में आया क्वेश्चन है, हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, ये नहीं था, 5 इज लेस देन 4 नहीं था ऑब्वियसली, तो यहाँ देखिए ब्रेक नहीं होगा, मतलब एक्स एस को 4 दे दिया, एक्स को 0 दे दिया, बाकी सब सेम है, बी माइनस एस टी है, बी मतलब यहाँ पे 5 है, एस देखिए 4 हो गया, टी निकाल लिया हमने, टी ही पूछा था तो टी इसका आंसर है, फिर एस टी वाई एक्स करके हमने वाई की वैल्यू भी निकाल ली, ओके। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नेट पे आया हुआ है, हमने डिस्कस किया है शॉर्ट्स में। थैंक यू।